सके। मानो ये देश तो इतना गरीब है, लेकिन ये घोटाले करने के पैसे इन नेताओं के पास कहाँ से आ रहे हैं? ये लाखों करोड़ के घोटाले, और अब उस घोटाले का एक महाजहरीला गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन। एक बंदा आप मेरे को बता दो जिसपे घोटाले का चार्ज नहीं है, एक बंदा। इन्हें भी थी स्कूटर नंबरा पर जैसे बेचिरे गड्डिया पर स्कूटर नंबर पाए रहे थे, जमानत पे आ बाहर है भाई। कितने करप्ट, कितनी सत्ता की भूख से पीड़ित है ये देखिए आप। अब पावर हंगरी जो परिवार है, नैतिकता के अधिकार पर, अगर नैतिकता के अधिकार आधार पर इनको कहना चाहिए था कि माता और बेटे में से कोई एक ही जो है वो पॉलिटिक्स में रहेगा। हमारे कई नेताओं ने ऐसा किया है, क्योंकि हमारी पार्टी के संस्कार ही ऐसे, एक ही परिवार थोड़ा ना कुंडल मार के बैठा रहेगा। सुखू जी को खुद कहना चाहिए था कि भाई एक बेटी सामान्य परिवार से अगर आना चाहती है तो क्या हमारे दिल इतने छोटे हो गए, क्यों हम किसी और को खड़ा करेंगे भाई? ऐसा थोड़ा ना कि एक ही परिवार। मुझे कहते हैं कि क्यों हीरोइन को बुलाया है और जो जयराम है वो एक फ्लॉप सरकार बना, फ्लॉप फिल्म बना रहा है। अरे सुखू जी, जयराम जी ने डंके की चोट पर 5 साल स्थिर सरकार चलाई, आपने 15 महीने में दम तोड़ दिया, फ्लॉप सरकार हो गई आपकी। अब 4 जून को पता चलेगा जब आपकी फिल्म ही ये उतर जाएगी थिएटर से और आप लोग कहीं नहीं दिखेंगे। यहाँ पर भी हम विधानसभा में भाजपा की सरकार बनाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये घमंडी बातें जो ये कर रहे हैं, पता नहीं किस घमंड में चकनाचूर है ये। ऐसे रावणों की तरह तो ये बातें करते हैं, जैसे रावण बात करता था। मीडिया को बुला के बोलते हैं कि जी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो एकदम निकम्मे हैं, ऐसे अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं। प्रतिभा सिंह जी कहती है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, बेकार सरकार है, न कैडर का काम करती है, न जनता का काम करती है, मैं किस मुंह से वोट मांगूंगी, मैं कोई वोट नहीं मांगूंगी, ऐसा कहते हैं। सोचिए, विक्रम जी है फूट फूट के रोता है, मेरे पापा को ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भाई फूट फूट के तुम रोते हो, फिर क्या होता है, फिर ऐसा क्या हो जाता है 5 ही मिनट में कि सारे गिले शिकवे दूर होते हैं और आप जो है सुखू जी की गोद में बैठकर हम मेरा भाई सुखू, मेरा भाई सुखू। क्या ऐसी गतिविधियां होती होंगी आप सोचिए, क्या इन लोगों के संस्कार हैं और किस तरह की इनकी नीतियां हैं, कैसे ये सरकार चलाते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम जो लोग हैं, चाहे गांधी जी हो गए, मैं जयराम जी हो गए, हम शीर्ष नेतृत्व हो, कुछ भी बकवास कर रहे, ये सब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसके संस्कार ऐसे नहीं है भाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।